देश में कोरोना की तीसरी लहर थमने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब एक बार फिर से समाज सुधार अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में जब संक्रमण की रफ्तार बढ़ी थी, तीसरी लहर का पूरा प्रकोप बिहार पर दिख रहा था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई लोग संक्रमित हो गए थे। उसके बाद नीतीश कुमार ने आनन फानन में अपनी इस समाज सुधार अभियान को रोक दिया था। समाज सुधार अभियान के साथ जनता दरबार पर भी प्रतिबंध था। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को जनता दरबार लगाई तो आज मंगलवार को अब एक बार फिर से समाज सुधार अभियान की शुरुआत कर बिहार के उन ग्रामीण इलाके में जो महिलाएं हैं उनसे शराबबंदी के मामले पर फीडबैक लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भागलपुर में होंगे। भागलपुर में जीविका दीदियों के बीच नीतीश कुमार पहुंचेंगे और उनसे अब तक शराबबंदी की वजह से कितने लोगों को फायदा पहुंचा है, शराबबंदी की वजह से समाज में किस तरीके से बदलाव आए हैं, किस तरीके से कुछ लोग गलत काम इलाके में करते हैं और उनके लिए क्या कुछ रोकथाम के लिए किया जाए, इन तमाम चीजों पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने ड्रीम प्रोजेक्ट शराबबंदी जो बिहार की जरूरत है उसे लेकर एक बार फिर से महिलाओं के बीच में रहेंगे, जीविका दीदियों के बीच में रहेंगे और समाज के उन पिछड़े पायदान पर खड़े लोगों से उनकी राय लेंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे। जो लोग नशाबंदी शराबबंदी के बावजूद भी इस तरीके से कारोबार, इस तरीके से जो नशा के सेवन में लोग जुटे हुए हैं उन्हें किस तरीके से रोका जाए, समझाया जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर महिलाओं को नीतीश कुमार ने टारगेट किया है कि महिलाओं के माध्यम से उन लोगों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और इसके लिए नीतीश कुमार ने जो जीविका दीदियां हैं उनको चुना है और अब जीविका दीदियों के माध्यम से नीतीश कुमार एक बार फिर से अपने इस अभियान को गति देने के लिए बिहार के ग्रामीण इलाकों से शुरुआत करेंगे और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागलपुर में हैं। आपको बता दें कि समाज सुधार अभियान में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 11 बजे भागलपुर हवाई अड्डा पहुंचेंगे और हवाई अड्डा रनवे से सीधे वो कार्यक्रम स्थल चले जाएंगे, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागलपुर और बांका जिले से आने वाली जीविका दीदियों को विशेष तौर पर जो है उनको संबोधित करेंगे, उन्हें विशेष तौर पर आमंत्रित करके बुलाया जा रहा है। तकरीबन 1500 की संख्या में जीविका दीदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। मुख्यमंत्री यहाँ एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बिहार में शराबबंदी अभियान को सफल बनाने समेत अन्य सामाजिक मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान के तहत जिले का दौरा भी करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर सक्रिय होने के बाद इस अभियान को रोक दिया था, लेकिन अब एक बार फिर से नीतीश कुमार ने इस अभियान की शुरुआत कर दी है। आपको बता दें कि भागलपुर के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आने वाले 27 फरवरी को राजधानी पटना में समाज सुधार अभियान के तहत कार्यक्रम करेंगे। 27 फरवरी को पटना जिले के साथ नालंदा जिले के लोगों को भी कार्यक्रम में वो जोड़ेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री 5 मार्च को पूर्णिया और 6 मार्च को मध्यपुरा का दौरा भी करेंगे। पूर्णिया में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कटिहार, अररिया और किशनगंज जिले से भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जुड़ेंगे और वहाँ के जीविका दीदियों से भी फीडबैक लेंगे। साथ ही साथ मध्यपुरा के कार्यक्रम में सहरसा और सुपौल जिले से भी जोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने समाज सुधार अभियान को एक बार फिर से गति देने के लिए जो नई तारीख है उसका ऐलान कर दिया है और इसी तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। देख रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब भागलपुर में होंगे तो समाज सुधार अभियान, नशा मुक्ति सहित समाज की उन तमाम बुराइयों पर क्या कुछ बातें करते हैं, देखना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी पर सवाल उठाने वालों को लेकर एक बार फिर से क्या कुछ कहते हैं। वहीं जीविका दीदियों के बीच पहुंचकर नीतीश कुमार समाज में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए और कौन सा नया टिप्स देते हैं जिससे कि ग्रामीण इलाकों में जो लोग अवैध शराब के कारोबार या उसका सेवन करने वाले लोग हैं उन्हें इसे छुटकारा मिल सके।